जुड़े हुए हैं। पहले मैं वरुण सिन्हा का रुख करना चाहूंगी। वरुण, आपके साथ पीछे मुझे मतदाता नजर आ रहे हैं अमेठी में, बात कीजिए। मुद्दों का चुनाव, चेहरों का चुनाव, क्या मायने रखती है, पार्टी या चेहरा? देख लो आशा, जो आपने आखिरी में कहा कि गुस्सा निकालने का दिन इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा तेज है, तपती धूप में कोई आदमी अगर आएगा वोट डालने तो सोच के आएगा, जो करना है अलग करना है, जितना कुछ गुजरा 5 साल में उसका बदला लेना है, मत के जरिए समझाना है कौन सही था कौन गलत था। मतदाता मेरे साथ हैं सब बहुत सारे, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि यहाँ के बुनियादी मुद्दे ऐसे कौन कौन से हैं, क्या परिस्थितियां हैं अमेठी के अंदर? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, लोकल ट्रेनों का बंद होना, जो गाड़ी है उसका स्टॉपेज न होना, संजय गांधी हॉस्पिटल बंद हो जाना, यहाँ से IIIT चली जाना, रिफाइनरी चली जाना, फूड पार्क चला जाना, पेपर मिल चली जाना, इसके अलावा 10 एग्जाम प्रदेश में हुए, एक भी फाइनल नहीं हुआ। पिछले 5 साल में हुआ है तो जो एग्जाम हुआ प्रदेश का, बात ना बताइए प्रेजेंट टाइम पे राहुल गांधी जो है उसको बताइए क्या किए वो राहुल गांधी 15 साल 40 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। ठीक है ठीक है, मुद्दों की बात करूँ मैं, यहाँ के मुद्दों की बात किए उन्होंने 15 साल में, कुछ मैं सिर्फ मुद्दों की बात करूं, ठीक है? यहाँ पर क्या हुआ, स्मृति ईरानी जी ने 5 साल में बाईपास दिए हैं, सबसे बड़ा काम बाईपास का हुआ है। अच्छा। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय का हुआ है। हाँ। सैनिक स्कूल है वो हुआ है। हाँ। ओवर ब्रिज बना है क्रॉसिंग के ऊपर। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि यहाँ के बुनियादी मुद्दे कौन से हैं, पार्टी को अगर छोड़ देते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, साफ सफाई की व्यवस्था कुछ भी नहीं है अमेठी में। अगर आप मोहल्ले में चले जाइए तो नाक नहीं दे जाती है, इतनी बदबू रहती है। नगर निगम में सफाई की व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। आप नगर में देख लें नालियां वगैरह जितनी ध्वस्त है कि अभी अभी तो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे जो राष्ट्रवाद के दिमाग में वो चीजें कहा, मतलब साफ सफाई और सब ये सब बनता नहीं, लोकल मुद्दे गड़बड़ है ना, लोकल मुद्दे सबसे ज्यादा गड़बड़ है। लोकल मुद्दे में तमाम चीजें हैं हमारे नगर। स्मृति ईरानी से कितनी बार मुलाकात हुई आपकी? कोई एक बार भी नहीं। प्रदेश में सरकार। हाँ। और देश में सरकार। हाँ। ये टाउन ही 19 64 टाउन एरिया। अच्छा, राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे होते मुझे बताइए जरा। हाँ। तो क्या परिस्थितियाँ दूसरी होती? नहीं या फिर ज्यादा और उससे जीतते। अच्छा, जीत रहे हैं, इससे भी ज्यादा वोट कम पड़ता है कांग्रेस को। अगर राहुल गांधी लड़ते तो इससे भी और बुरी हार हारती हार जा जीत होने जा रही हारते बहुत बुरी तरह। क्या स्थिति है सर इस बार यहाँ पर चुनावों में? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर यहाँ के मुद्दों की बात करूं तो क्या हालात हैं? मुद्दे बहुत सारे हैं, अनगिनत मुद्दे हैं जो 15 साल राहुल गांधी रहते हुए भी सांसद में खाली टाटा बाय बाय करके वापस गए हैं। ये बाईपास बनवा हुआ है, ओवर ब्रिज का। इस बार किशोरीलाल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है टफ फाइट होगी? राजू गांधी के पीडीएस किशोरीलाल शर्मा ये थे, राजू गांधी के हुए, सोनिया जी के हुए, उसके बाद राहुल गांधी के भी पीए रह चुके हैं। क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर अगर मैं मुद्दों की बात करूँ? बेरोजगारी के मुद्दे हैं, जो भी चुनाव चल रहे हैं इसमें। हाँ। जो है बेरोजगारी के मुद्दे हैं। रोजगार कितना है अमेठी के अंदर? अब रोजगार तो जो है अनगिनत है, कोई पता नहीं है इसको, तो पता है वही लोग बता सकते हैं जो आप, मतलब आप लोग जो है जानकारी होगी इसीलिए। अमेठी के अंदर तो आप बता पाओगे ना कितने रोजगार हुआ, कितने लोग? रोजगार बहुत है, रोजगार के लिए तो जो है कोई चीज कहा नहीं जाते जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो साफ है कि वोटर है। जी जी, चलिए तो अमेठी में जनता क्या कह रही है आपने सुना। अब मैं झांसी का रुख कर लेती हूं, वहां पर प्रशांत देव हमारे साथ जुड़े हैं। और प्रशांत, उत्तर प्रदेश में तो तीसरा सबसे गर्म शहर है झांसी, अभी लाइट कटौती जो है वो एक बड़ी समस्या बनी हुई है 18-18 घंटे, तो इस बार चुनाव में मुद्दे क्या है जनता के? देखिए, झांसी की जब आप बात करते हैं, पूरा बुंदेलखंड का एरिया है और काफ़ी यहाँ पे पानी का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा, ओबीसी, दलित, ये तमाम ये मुद्दे यहाँ पे हमेशा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो वोट दे के आए, पीछे हमारे पोलिंग बूथ है, वहाँ से भी हम आए हैं, थोड़ी भीड़ वहाँ कम हुई थी, यहाँ पे पेड़ के नीचे लोग खड़े हैं। देखो जी, आपसे दो तीन सवाल पूछेंगे, तीन सवाल बस है पूछने का। पहला ये कि इस बार का मुद्दा क्या है, और जोर किसका है, इंडिया या NDA में? झांसी में, कि झांसी की बात करें तो अनुराग शर्मा। अच्छा, मतलब ठीक है, और मुद्दे क्या है इस बार झांसी के? मुद्दे कुछ क्या है, सब व्यवस्था है, पानी, हर जल योजना आई गई है, स्कूल बन रहे हैं, सब बढ़िया व्यवस्था है। अच्छा, जो प्रत्याशी है यहाँ पे, खड़े हो जाओ, जो यहाँ पे प्रत्याशी है, वोट प्रत्याशी को देख के दे रहे हैं या ऊपर सब देख के दिया जा रहा है इस बार झांसी में? मतलब वोट किसको देख के दे रहे हैं?
ऐसा सिखाओ मत भाई। हाँ ज्ञान का देगी। हाँ जो प्रत्याशी है उसको देख के वोट पड़ रहा है या ऊपर ऊपर जो बड़े नेता उनको देख के वोट पड़ रहा है? झांसी के लोग क्या सोच के वोट कर रहे हैं? वो तो सर योगी मोदी को वोट कर रहा है, धवल देना की सरकार बस। अच्छा झांसी में क्या क्या कुछ ऐसे काम हुए हैं, क्या क्या ऐसे मुद्दे थे जो अभी पूरे हो गए हैं या पूरे होने बाकी हैं? तो मुद्दे जो कुछ उनने वाला गया सब हो गया जहाँ के था। अच्छा अच्छा हम बोल तो गए थे ना, एक बार फिर से बताओ वोट दे के आप आए, ये बताइए कि क्या सोच रही है झांसी की जनता? सोच तो ऐसा है कि प्रजा राजा भरत की नहीं भाई, अब मीडिया में छा जाए कछु में छा जाए, वोट होता है वोट का, जो कुछ आगे या प्रक्रिया होगी वो आगे देखा जाएगा कि भगत में होने क्या है। 4 तारीख को पूरा निकलेगा डेट क्या होने वाला है, पर्दे की बात पर्दे में। क्या इस बार भी कुछ सुन रहे हैं कि बहुत लड़ाई? जी 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 सर, आगे आइए थोड़ा आगे आइए। वोट दे दिया पहले, निशान दिखाइए, वोट दिया क्या? ऐसे ही बोल रहे हो, वोट दे दिया ना? हाँ वोट दे दिया। हाँ आपने वोट दिया। मैं बस 2-3 सवाल ये है कि इस बार के चुनाव में प्रत्याशी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय मुद्दे इम्पोर्टेंट है, ये जो आपके स्थानीय मुद्दे हैं वो इम्पोर्टेंट है? मैं किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं झांसी के लोग? सर राष्ट्रीय मुद्दे पर 370 अब POK, ठीक है, और सब लोग उन्हीं को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को, और हमारे यहाँ से अनुराग शर्मा ही आएंगे 100%। अच्छा ये तो ग्रामीण इलाका है झांसी का, बबीना विधानसभा है। अभी मैं उधर कुछ तरफ घूम रहा था, कई इलाके में घूमा, तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि आमने सामने की टक्कर भी है इस बार, तो आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। क्या कह रहे हैं 19-20 का वो होगा, लेकिन हम नहीं समझते कि आमने सामने की टक्कर है। 19-20 तो आमने सामने की टक्कर हो ही गई। नहीं नहीं क्या कह रहे हैं? अच्छा आपने वोट दिया? वोट दे दिए क्या दोनों? जाओ हैं झांसी से, वोट तो दिए होगा ना, तो झांसी के लोग क्या सोच रहे हैं इस बार तो मोदी सरकार कम से कम इस बार एक ही तरफ वाले इकट्ठे हो गए होंगे? नहीं, 4 लाख वोटन से जीत होगी इस बार। तो जनता की आवाज़ है कि आप सुन रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे झांसी लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे दलित OBC ये इन जातियों की भरमार है, तो ये लोग जो है यहाँ पे वोट करते हैं। आपने इनके मुद्दे वोट दिया? आपने दिया। क्या है मुद्दा इस बार? मुद्दा सही है, मुद्दा है इस बार फुल फेस। जी प्रशांत, वोट देने जा रहे हो? ठीक है, आप प्रशांत बने रहिएगा।